तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल अमन नारायण एमसीओ से हिंदी में। तो फाइनली मैंने अपने चैनल का नाम यहाँ पे चेंज कर दिया है। कभी भी मैं वाटर को इंस्पायरिंग बोल देता हूँ तो ऐसा पहले सबको नाम अजीब लगता था, तो मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया है। तो सॉरी, मैंने कल कोई वीडियो यहाँ पर नहीं डाल पाया था, उसका भी एक बहुत बड़ा रीज़न था, तो वो क्रिस्टल ओपनिंग वीडियो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो ये इसके भी देखो और वीडियो आएगा, ठीक है। और आई थिंक आज मैं दो तीन वीडियोज़ का यहाँ पर प्लानिंग कर रहा हूँ, तो होप सो कि आपको बोर नहीं होंगे। तो यहाँ पर मैं जो यहाँ पर थोड़े बहुत बूस्ट को यहाँ पर लगा ले रहा हूँ, जस्ट फॉर सेफ्टी, और वैसे भी कुछ काम वाम देखेंगे नहीं, ठीक है, क्योंकि मैग्नीटो खैर उतना इफेक्ट नहीं करता बूस्ट्स वगैरह से। तो फिर भी मैंने यहाँ पे बूस्ट्स वगैरह को ले लिया था, और ये ग्वेनपेरियन मेटल थी, रियल में ग्वेन मेटल नहीं है। और एक बात बता देना कि अगर आपको इसका पैसिव हील ब्लॉक का सिनर्जी लाना है तो आप ना लाओ, क्योंकि उससे कोई फ़र्क यहाँ पर नहीं पड़ता, ठीक है, क्योंकि मैग्नीटो का जो पैसिव एबिलिटी ही है कि वो हील को ब्लॉक कर सकता है एज इन रिवर्स भी। तो मैंने जो है यहाँ पे अपने हैमडाल को एक्सचेंज, अपने कोएक से हैमडाल को एक्सचेंज कर लिया था, ठीक है। और पूरे फाइट पे मेरे को कोई भी यूनिट्स नहीं लगे, कुछ भी यूनिट्स नहीं लगे, एंड दिस इज़ द ईजीएस्ट क्वेस्ट आई हैव एवर सीन। और मैं यहाँ पे पूरी तरह से इसको सोलो करने वाला हूँ, ठीक है। हाँ, मैं सोलो करने वाला हूँ भाई, मैं ग्रैंड मास्टर को हरा चुका हूँ, मैं एक्सीन ग्वेनपेरियन को हूँ, एंड दिस ग्वेनपेरियन इज़ प्रिटी मच सेम, नॉट मच अबाउट टू से दिस ग्वेनपेरियन, ही सी इज़ द ईजीएस्ट बॉस इन द गेम आई थिंक। या सी इज़ द ईजिएस्ट बॉसेस इन द गेम, मतलब उस तरह से तो ईजिएस्ट नहीं है, लेकिन अगर आपके पास प्रॉपर चैम्पियंस हैं, जैसे मैं रोनन, मैग्नीटो, क्लॉसस, सो कुछ लोग क्लॉसस अभी कर सकते हैं, तो दे आर ईजियर। और वही बात कि अपने स्पेशल लेवल 3 को नहीं छोड़ सकती हैं, तो दैट्स एन गुड थिंग। तो यहाँ पर ये खैर पैरी है भी, पैरी है भी, पैरी है भी, और शुरू शुरू में तो मेरे को कल यार अपना हेल्थ रीजनरेट ना कर रहे, तो बोले नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है। तो ये यहाँ पे जा रही है, और गिफ्टिंग की लाइन्स यहाँ पे खुल चुकी हैं, आप मुझे गिफ्ट कर सकते हो मेरे आईडी पे, वर्ल्ड ऑफ डीसी नाम का मेरा आईडी है, ठीक है, तो आप वहाँ पे गिफ्ट कर सकते हो मेरे को मेरी आईडी पे। तो फिलहाल हम इस बॉट सेट को यहाँ पे इन्जॉय करते हैं। काफ़ी मैं थोड़ा सा टेंस भी था बीच में, क्योंकि इसके बाद जो था वो मेरे को मेरी क्रिस्टल ओपनिंग वगैरह भी करनी थी, और मैं थ्रोन ब्रेकर बनने के काफ़ी करीब तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी देखते हैं कि कब मैं अपना टीयर 5 बेसिक यहाँ पे फॉर्म कर सकता हूँ। बेसिकली नेक्स्ट ईयर 6 से 7 महीनों में मैं ज़रूर एक टीयर 5 बेसिक फॉर्म कर लूँगा, और मैं थ्रोन ब्रेकर यहाँ पर बन जाऊँगा, क्योंकि कैवलियर प्लेयर्स को यहाँ पर कुछ खास नहीं मिलता ओवरऑल अगर आप बात करोगे तो। तो इस ग्वेनपूल के साथ जो एआई थी मेरी तरफ से वो बहुत ज़्यादा अच्छी थी, मतलब एआई अच्छी कहने का मतलब है कि वो उतनी एग्रेसिव नहीं थी, वो इजी टू प्ले वेल कैरेक्टर में इजीली खेल पा रही थी, और ऊपर से बात है कि इसकी ब्लॉक डैमेज भी उतनी हाई नहीं थी, और ऑब्वियस मतलब मैग्नेटो का ब्लॉक प्रोफिशिएंसी काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाता है मैग्नेट करने के कारण। एक चीज़ मेरे को समझ में आया है कि ग्वेनपूल रियल में वो मेटल नहीं है, बट इसमें उसने मेटल का दर्जा दे दिया था कबाब ने, तो होप सो कि शायद मैग्नीटो के लिए ही इस फाइट को डिज़ाइन किया गया था। तो शुरू से मैंने सोचा कि नॉर्मल 10 प्रॉवेस बॉब्स की तरफ चलते हैं, नहीं आराम से कम 20-25 यहाँ पे कर लेते हैं, फिर यहाँ पे इजीली यहाँ पे फाइट करते हैं, क्योंकि वैसे क्योंकि मैं कोई रिस्क यहाँ पे लेना नहीं चाहता था, क्योंकि मेरे पास कोई रिवाइव्स वगैरह नहीं थे, ठीक है, और जो भी रिवाइव्स वगैरह थे वो सारे मेरे सब्सक्राइबर्स ने ही भेजे थे, और उन्हीं की मदद से मैंने यहाँ पे एक्ट 7 का सारा करेक्टर सब कुछ फाइट कर लिया था, और वो भी एक दो दिन में लगा था। मैंने 2 और बॉस फाइट्स रिकॉर्ड किया, वेनम और सिम्बियोट सुप्रीम वाली, तो वो भी चैनल पर यहाँ पर जल्दी आ जाएंगे, और एक्ट 6 का जो पूरा स्ट्रैटेजिकल डेवलप्ड वीडियो है वो भी आएगा, उसके बनने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो उसके लिए थोड़ा सा टाइम दे दो यार, आप चढ़ ही मत जाना कि बनाकर भेज दो, थोड़ा सा टाइम लगता है हर किसी के वीडियोस में बनाने में, ठीक है। तो यहाँ पे और इसकी क्रिस्टल ओपनिंग वीडियो जो है ना, अगली इसके बाद में जो वीडियो बोलूँगा ना उसमें आ जाएगी। तो यहाँ पे मैं इसको सिर्फ यहाँ पे फाइट्स को दर्शा रहा हूँ, तो किस तरह से हमें फाइट्स चाहिए, क्योंकि सारे लोग सोलो कर रहे थे मैग्नीटो को, तो मैंने भी यहाँ पे सोलो किया मैग्नीटो को, और होप्स हो कि मैं भी उन गिने चुनों के लिस्ट्स में आ जाऊँगा। तो हालांकि मैं एक एवरेज प्लेयर हूँ, एवरेज मैं बिलो एवरेज प्लेयर हूँ, लेकिन फिर भी अगर मैं इसे सोलो कर पाता हूँ तो मेरे लिए काफ़ी अच्छी बात रहेगी। तो ये हमने यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस यहाँ पे बिल्ड कर लिया था, और अब मैंने सोचा था कि मैं लेवल 3 यहाँ पे ओपन कर दूँगा, लेकिन बीच में कुछ अजीब सा मेरे माइंड में डेवलप हुआ, एक लालच सी बढ़ गई थी, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सोचा कि एग्रेसिव होने से अच्छा है और यहाँ पे इजली यहाँ पे क्या बोलते हैं उसको यूज़ कर स्पेशल। और ये गई मैग्नीटो लगभग 133K एंड द ब्लीड वेयर 7K, 7000 ब्लीड्स, इट्स लिटरली मैग्नीटो के बफ के बाद मैग्नीटो ने अपने अंदर सब कुछ लिटरली पा लिया था यहाँ पे।
तो यहाँ पे इजीली हम यहाँ पे सोलो कर सकते हैं। आई थिंक मेरे को बस एक आध और यहाँ पे लेवल 3 यहाँ पे डालने पड़ेंगे और उसके बाद यहाँ पे जो सब कुछ है यहाँ पे क्लियर आउट हो जाएगा। और जब शुरू शुरू टाइम में जब ग्वेनपेरियन बॉस आई थी तो सब लोग को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फील हो रहा था, लेकिन जो वाकई में एक्ट 7 का जो कंटेंट था वो बहुत अच्छा था। बहुत मज़ा आया करने में, बहुत अच्छा लगा था करने में, बहुत बहुत मस्त था करने में। लेकिन अगर वो सिग्नेचर स्टोन्स की जगह 5 स्टार कुछ स्टार्स भी हो जाते ना तो वो ज़्यादा अच्छा रहता, ठीक है, क्योंकि आई डोंट थिंक कि 6 स्टार सिग्नेचर स्टोन्स का जो वैल्यू कबाम हमने यहाँ पे पुट किया है वो वर्थ करता है। यार सिग्नेचर स्टोन्स तो वैसे भी चीज़ है, अजीब से चीज़ होते हैं। मेरे को हाई सिक लेवल चैम्पियंस इसीलिए पसंद नहीं है। तो ये यहाँ पे अब तो प्रोबेबली सी बात है कि मैंने इसको सोलो कर लिया और ये यहाँ पे फाइनली यहाँ पे ख़त्म हो चुकी है। सो या द फाइट इज़ फाइनली ओवर नाउ एंड दिस इज इन द 111 हिट। आई थिंक मेरे को कुछ कुल मिला के 3 से 4 मिनट लगे इस फाइट को करने में। सो या दैट्स अ गुड थिंग। और ये 5 स्टार रैंक 5 मैग्नीटो था, तो वन मैग्नीट भी अगर रैंक शॉट 3 होता तो एक काफ़ी बार ज़्यादा होता। में तो अभी हमने यहाँ पे पूरी रिकॉर्ड। तरह से क्वेस्ट को कंप्लीट कर लिया है। रिवार्ड्स ओपनिंग काफ़ी जल्दी चैनल पे आ जाएगी। आई थिंक इस वीडियो के अपलोड होने के 2-3 घंटे के बाद यहाँ पे रिवार्ड्स ओपनिंग आ जाएगी, तो जाकर ज़रूर देखिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी मैग्नीटो की बॉस फाइट्स। तो थैंक यू दोस्तों एंड हैव अ नाइस डे।